मार्केट uh, का मूड माहौल बहुत शानदार है और uh, पहला सपोर्ट है आपका 19510 का कल का लो मतलब मूर्त डे का लो और बड़ा सपोर्ट है अब आपका 19425 पर आशीष uh, मेरा एक व्यू रहा है इस सीरीज़ की शुरू से कि एफ आई की जो शॉटिंग है यही आपको आगे लेती जाएगी और यहाँ पे मार्केट में जो उन्नीस आठ के टारगेट लेके चल रहा था कि इस सीरीज़ में आपको उन्नीस आठ दिखाई देगा मेरे ख्याल से वो आना चाहिए और एक व्यू रहा है मेरा आप लॉन्ग रहें और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहते हैं बहुत सिंपल एक व्यू है नाइनटीन फोर ट्वेंटी फाइव से नाइनटीन फाइव हंड्रेड किसी भी कारण से अगर आपको मिल जाए तो मैं फिर से वही वाला वर्ड यूज करूंगा लपक लीजिए वाला बिल्कुल नाइनटीन फोर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड और अब आपका सिस्टम में स्टॉप लॉस हो गया नाइनटीन थ्री ट्वेंटी नाइन नाइनटीन थ्री ट्वेंटी नाइन की ब्यूटी बताता हूँ मैं पिछले हफ्ते नाइनटीन थ्री ट्वेंटी नाइन निफ्टी का लो दो बार था और दोनों बार उसने उस लेवल को ब्यूटिफुली डिफेंड करा तो एक तरीके से डबल बॉटम बनाया तो मार्केट की ट्रेड आपकी बहुत सिंपल है अब आप लॉन्ग रहे यहाँ पर और स्टॉप लॉस रखें नाइनटीन का खुद जाके चेक कर लीजिए निफ्टी इंडास्ट्रीज डॉट कॉम पर निफ्टी सेलेक्ट करिए और पिछले सात दिन का हाई और लो की पिक्चर मैप करिए दो दिन 19329 पर लो बनाए और दोनों दिन मार्केट ने वहाँ पे सपोर्ट लिया इससे बड़ा आपको इंडिकेशन नहीं मिलेगा इसमें होगा क्या आप सपोज करिए आप नाइनटीन फाइव ट्वेंटी फाइव पर हैं तो यहाँ से दो सौ पॉइंट नीचे लेकिन अपसाइड कितनी है अगर ऑल टाइम हाई तक गए आप तो करीब छः सौ सात सौ पॉइंट परफेक्ट रिवॉर्ड रिस्क थ्री इस टू वन का रिवॉर्ड रिस्क है यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ पर है पहला रेजिस्टेंस है नाइनटीन ट्रिपल फाइव पर ज़्यादा ऊपर नहीं है वहीं पर खुलने के इंडिकेशन हैं ऑप्शन के हिसाब से और बड़ा रजिस्टेंस है आपका चार्ट के हिसाब से नाइनटीन और अगर नाइनटीन सिक्स एक बार क्रॉस हुआ तो फिर सीधा नाइनटीन और नवंबर सीरीज़ में जो मैं एक व्यू लेके चल रहा हूँ पोजिशनली आप 19800 हिट करेंगे यहाँ पर और उसके बाद शायद दिसंबर में ऑल टाइम हाई साल का अंत मुझे, 20, मुझे लग रहा है ऑल टाइम हाई पर होगा कैलेंडर ईयर का ये एक मेरा व्यू है और कितना हमारा ऑल टाइम हाई मेरे ख्याल से बीस दो सौ होगा मेरे ख्याल से मेरे मुझे लग रहा है वहाँ तक हम चाल वहाँ की स्टार्ट कर चुके हैं लीजिए भैया अप्स एंड डाउन अपनी जगह साल का अंत यहां से कहीं ऊपर पिछले पीक तक शायद भारतीय बाजार जाते हुए नजर आए तो अपना अप्रोच अपना मूड बॉल वैसे ही रखें लॉन्ग कंटिन्यू करें और एक बढ़िया स्टॉप लॉस है हमारे पास 329 के जोन्स निफ्टी पर <coughs> निफ्टी बैंक <coughs> कल वहां पे भी ऑलमोस्ट तीन पॉइंट का उछाल फोर्टी थ्री टेक्निकली फोर्टी फोर ही कह लीजिए उन जोन के आसपास एक शेड वहां से नीचे यहां पे क्या करना है? आ, निफ्टी बैंक पर हमने एक व्यू लिया था कि अब निफ्टी बैंक आउट परफॉर्मेंस शुरू करेगा yes, एक परफॉर्मेंस हाँ. के बाद और 44, और 44,000 44,500 के हमने एक टारगेट्स लिए थे 44,000 तो कल ही आ गया अब पहला सपोर्ट है आपका 43916 जो कि मुहूर्त हाँ. का लो था और बड़ा सपोर्ट है आपका 43,504 जो कि फ्राइडे का लो था अब फोर्टी का हमारा जैसा मैंने कहा पहला लॉजिकल मूव आ गया अब फोर्टी मुझे लग रहा है इस वीकली सीरीज़ में पॉसिबल है फोर्टी फोर फाइव हंड्रेड और वीकली सीरीज़ मेरा इस वीक में पॉसिबल है, ये कह लेते हैं चलिए क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो परसों ही हो जाएगी तो कहीं लोगों को ये ना लगे कि मैं परसों तक ही मान रहा हूँ इस वीक में पॉसिबल है फोर्टी और नवंबर सीरीज़ में फोर्टी अगेन पहला रेजिस्टेंस आएगा आपका 44130 पर और 44130 क्रॉस हुआ तो सीधा 44500 पर आशीष यहाँ पे लॉन्ग रहना है बहुत सिंपल अब तक हमारी स्ट्रेटजी थी लॉन्ग रहे और 200 हंड्रेड मूविंग एवरेज जो 43200 था उस पर स्टॉप लॉस रखें उस ट्रेड ने ब्यूटीफुली रिवॉर्ड दिया आपको दो बार 43300 तक गया बैंक निफ्टी टच नहीं हुआ 43200 और बाउंस बैक कर गया इसके लिए उस लो की सिग्निफिकेंस थी उस स्टॉप लॉस की सिग्निफिकेंस थी अब यहाँ से स्टॉप लॉस बढ़ा लीजिए बहुत सिंपल स्टॉप लॉस हो गया अब आपका फ्राइडे का लो 43504 अब आपकी बैंक निफ्टी की लॉन्च पे 43504 का स्टॉप लॉस हो गया और मेरा व्यू ये है कि यहाँ से अब आपको फोर्टी भी दिखेगा ट्रिगर कुछ भी हो सकता है हो सकता है आज का इन्फिशियन डेटा ही ट्रिगर बन जाए ये पॉसिबल है ये एक व्यू रहेगा बढ़िया है बैंक निफ्टी ने अपने गियर शिफ्ट कर दिए लास्ट वीक ही बातचीत हुई थी तो ये पॉकेट रडा पर